नेक्स्ट टॉपिक है वाटर ट्रांसपोर्ट। वाटर ट्रांसपोर्ट मतलब जो इसमें हम वाटर ट्रांसपोर्ट में वो व्हीकल्स के बारे में पढ़ेंगे जो कि वाटर में चलते हैं, रन करते हैं। चलिए अब दिया, वी कैन ट्रैवल बाय वाटर टू, व्हीकल्स दैट रन ऑन अंडर वाटर आर कॉल्ड वाटर ट्रांसपोर्ट। जो वो व्हीकल्स जो अंडर वाटर मतलब पानी के नीचे या पानी के नीचे चलते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं, पानी के नीचे पानी के अंदर चलते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं, वाटर ट्रांसपोर्ट कहते हैं। ठीक है, बोट फेरीज एंड शिप रन्स ऑन वाटर। क्या है ये, जो शिप है, बोट है और फेरीज है, ये सब क्या है हमारे, किस में रन करते हैं, वाटर में रन करते हैं। सबमरीन्स रन अंडर वाटर। सबमरीन क्या है, अंडर वाटर। अंडर वाटर मतलब होता है बेटा पानी के नीचे। ठीक है, हैवी गुड्स सच एज आयरन मशीन्स कार्स एंड ऑयल आर ट्रांसपोर्ट फ्रॉम वन कंट्री टू अनदर बाय कार्गो शिप्स। आपको पता है कि जो भी हैवी गुड्स, जो भी हमारे गुड्स वगैरह होते हैं इंपोर्ट एक्सपोर्ट के लिए, इन शिप्स एक्सपोर्ट इंपोर्ट के लिए इन शिप्स का यूज़ किया जाता है। और ये जो शिप होती है इनको हम कहते हैं कार्गो शिप। क्या कहते हैं, कार्गो शिप। इस कार्गो शिप में क्या होता है, देखिए जो भी आयरन्स होते हैं, जो भी लोहे वगैरह होते हैं, जो भी मशीन्स होते हैं, कार हो गया, ऑयल हो गया, ट्रांसपोर्ट फ्रॉम वन कंट्री टू अनदर, एक कंट्री से दूसरी कंट्री में ट्रांसपोर्ट किसके थ्रू करते हैं, कार्गो शिप्स के थ्रू। ठीक है, पीपल ट्रैवल फ्रॉम वन कंट्री टू अनदर बाई क्रूज शिप। मतलब और जो है हम लोग भी क्या है, जो पीपल हैं लोग क्या, एक कंट्री से दूसरी कंट्री किसके थ्रू जा सकते हैं, क्रूज शिप। ठीक है, क्रूज शिप होती है उसके थ्रू हम एक कंट्री से दूसरी कंट्री जा सकते हैं। ठीक है, सबमरीन दिया है, ये देखिए क्रूज शिप दिया है और कार्गो शिप दिया है। कार्गो शिप से मैंने आपको बताया ना कि जो भी गुड्स होते हैं, आयरन होता है, मशीन्स होता है, वो एक जगह वो क्या एक्सपोर्ट इंपोर्ट होता है, एक कंट्री से दूसरी कंट्री ट्रांसपोर्ट होता है। ठीक है, चलिए अब आया है, दिया है शिप सेल्स इनटू अ हार्बर और पोर्ट। अब क्या है, हार्बर मतलब क्या होता है, पोर्ट। हार्बर और पोर्ट मतलब क्या होता है, बंदरगाह। आपको पता होगा जो शिप होती है वो क्या है, कहाँ पे सेल करती है, वो हार्बर और पोर्ट पे। जैसे एरोप्लेन वगैरह का एयरपोर्ट होता है, ट्रेन का क्या होता है, रेलवे स्टेशन होता है, तो इसी तरह शिप का क्या होता है, हार्बर और पोर्ट होता है, उसको क्या कहते हैं, बंदरगाह कहते हैं। ठीक है, मुंबई इज इंडियन बिगेस्ट पोर्ट, और इंडिया जो मुंबई में सबसे बड़ा बंदरगाह है। ठीक है, अदर मीन्स ऑफ वाटर ट्रांसपोर्ट इंक्लूड्स बोट हो गया, फेरीज हो गया और स्मॉल शिप विच कैन ट्रेवल अप डाउन अ रिवर। ठीक है, ये सब हमारे क्या हैं, बोट्स हो गया, फेरीज हो, ये स्मॉल शिप हो गए, ये भी हमारे मीन्स ऑफ वाटर ट्रांसपोर्ट में आते हैं। चलिए डिड यू नो, देखिए डिड यू नो, क्या आप जानते हो, इसमें बोला याच्ट और सेल बोट कैन सेल ओनली विद द हेल्प ऑफ विंड। बेटा इसमें क्या है, याच जो है, याच और सेल बोट्स हैं, ये वो वाटर ट्रांसपोर्ट होते हैं जो किसकी हेल्प से सेल करते हैं, विंड की हेल्प से। विंड मतलब हवा होती है। ठीक है, और ये जब हवा चलती है तभी जो है ये हवा के थ्रू ये चलती हैं, और दे आर यूज टू ट्रेवल फॉर प्रेशर प्लेजर। मतलब वे क्या है, वे आनंद के लिए यात्रा करने के लिए, ये सब क्या है, इन बोट का यूज़ इन आनंद लेने के लिए। ठीक है, इनका यूज़ उपयोग किया जाता है। ठीक है, और ये किसकी हेल्प से चलते हैं, विंड की हेल्प से ये चलते हैं, और इनका दे आर यूज टू ट्रैवल, इन पर हम ट्रैवल करते हैं किसके लिए, फॉर प्लेजर के लिए। प्लेजर मतलब आनंद लेना, आनंद लेने के लिए हम इसका यूज़ करते हैं। अब आता है लेट्स ट्राई थ्री। अब देखिए इसमें क्या, राजू इज़ अ पोर्ट, ही हैज़ मैनी क्वेश्चन। आप देखिए राजू कहाँ है, पोर्ट पे है। ठीक है, पोर्ट मतलब आता है बंदरगाह। वो क्या है, कुछ क्वेश्चंस कैप्टन से पूछता है। ठीक है, कप्तान से कुछ क्वेश्चंस पूछता है, तो वो देखिए वो क्या आंसर बताता है। राजू बोलता है, हेलो कैप्टन, कैन अ शिप मूव ऑन वाटर, क्या शिप जो है वाटर में मूव करती है। तो उसने क्या बोला, यस, क्योंकि वाटर शिप जो है वाटर में मूव करती है। ठीक है, फिश राजू, कैन अ शिप ऑल्सो फ्लाई, क्या शिप फ्लाई करती है। तो क्या कैप्टन ने बोला, नो। राजू ने बोला, कैन अ वाटर ट्रांसपोर्ट टेक अस टू डिफरेंट सिटीज़, क्या हम वाटर ट्रांसपोर्ट के थ्रू डिफरेंट सिटीज़ में जा सकते हैं। तो कैप्टन ने बोला यस। फिर आता है राजू, कैन अ शिप गो अंडर वाटर, क्या शिप अंडर वाटर मतलब पानी के नीचे, अंडर वाटर मतलब पानी के नीचे जा सकती है। तो क्या उसने बोला, नो। चलिए अब आता है नेक्स्ट टॉपिक है एयर ट्रांसपोर्ट। अब देखिए इसमें क्या दिया है,
द स्टोरी ऑफ फ्लाइट, बेटा ये स्टोरी मैं पढ़ाने जा रही हूँ, इसको आप लोग ध्यान से समझिएगा। स्टोरी ऑफ फ्लाइट, मैनी ईयर्स एगो, काफ़ी समय की बात है, दे वॉज अ फैमिली इन अमरीका, अमरीका में क्या एक फैमिली रहती थी, वो मदर फादर एंड द सेवन चिल्ड्रन लिव हैप्पी टुगेदर, मदर फादर और सेवन चिल्ड्रन एक साथ क्या हैप्पी खुशी से वहाँ अपने फैमिली खुशी से अपने फैमिली में रहते थे। इन देव फैमिली, उनकी फैमिली में क्या था, दे वर टू बॉयज हु वेर वेरी इंटेलिजेंट, और क्या थे, टोटल कितने चिल्ड्रन थे, सेवन चिल्ड्रन रहते थे साथ में अपने पेरेंट्स के साथ, सेवन चिल्ड्रन एक साथ खुशी से रहते थे, जिसमें से जो दो बॉयज थे, जो दो ब्रदर थे, वो बहुत ही क्या थे, इंटेलिजेंट थे, उनका जो माइंड था वो बहुत ही तेज था, बहुत ही इंटेलिजेंट थे, दे लव्ड आस्किंग क्वेश्चन, और उन्हें क्वेश्चंस करना बहुत ही अच्छा लगता था, ठीक है। दे ट्राई टू नो द रीज़न बिहाइंड एवरी थिंग, और क्या होता था, वो क्वेश्चंस, उन्हें क्वेश्चन करना, चीज़ों के बारे में जानना, पूछना बहुत ही अच्छा लगता था, तो दे उन्होंने हर चीज़ के पीछे का कारण जानने की कोशिश की, क्या था, दे ट्राई टू नो द रीज़न बिहाइंड एवरी थिंग, और वो जो दो बॉयज़ थे, तो जो बहुत ही इंटेलिजेंट थे, वो क्या, उन्हें हर चीज़ के पीछे का कारण जानने के, वो हर चीज़ का रीज़न जानना चाहते थे, और हर चीज़ का रीज़न जानने की उन्होंने कोशिश करी, ठीक है। वन डे देयर फादर ब्रॉट अ टॉय फॉर देम, एक दिन क्या होता है बेटा, उनके जो फादर हैं वो उनके लिए क्या लाते हैं, टॉय लाते हैं, खिलौने लाते हैं, ही टोस्ट इट इन टू द एयर एंड आस्क द बॉयज टू कैच इट, उन्होंने क्या किया, उन्होंने एयर में उसको टोस्ट किया, ऐसे करके फेंका, और अपने बेटे को बोला कि इसको कैच करो, उन्होंने ऐसे करके जैसे टोस्ट किया ऐसे करके उन्होंने फेंका एयर में, इन टू द एयर, एयर में उन्होंने क्या किया, फेंका, और बोला आस्क द बॉयज, उन्होंने अपने बेटे को बॉयज से बोला कि इसको कैच करो, ठीक है। द बॉय लुक एट द टॉय बट अ स्ट्रेंज थिंग हैपन, बॉयज ने उस टॉय को देखा, जो दोनों बॉयज थे उन्होंने क्या खिलौनों को देखा, लेकिन एक अजीब सी बात हुई, अब देखिए कौन सी अजीब सी बात हुई, स्ट्रेंज थिंग्स हैपन, स्ट्रेंज थिंग हैपन मतलब एक अजीब सी बात हुई, अब देखिए क्या होता है, दे द टॉय डिड नॉट फॉल ऑन द ग्राउंड, और उन्होंने पता है क्या अजीब चीज़ हुई, वो जो टॉय एक बार ऊपर गया तो नीचे नहीं आया, ठीक है, द टॉय डिड नॉट फॉल ऑन द ग्राउंड, जब ऊपर उन्होंने ऐसे करके टोस्ट किया तो वो नीचे आके जमीन पे ग्राउंड पे नहीं गिरा, ठीक है। इट फ्लू अक्रॉस द रूम लाइक अ बर्ड, और ये क्या है, ये पक्षी की तरह, बर्ड की तरह क्या है, पूरे कमरे में वो उड़ने लगा, उड़ान भरी पूरे कमरे में, जैसे बर्ड्स उड़ती है वैसे वो अपनी उड़ान भरने लगा, उड़ने लगा, ठीक है। इट फाइनली स्ट्रक द सीलिंग, फ्लटर्ड लाइक अ बटरफ्लाई एंड फेल डाउन, ठीक है। फिर इसके बाद क्या होता है, उन्होंने क्या देखा कि एंड फेल डाउन, और उसके इन्होंने यही होता है कि इस पक्षी की तरह क्या है, वो पूरे कमरे में जो है उसने उड़ान भरी और उड़ने लगा। फिर उसके बाद देखिए क्या होता है, द बॉयज गॉट वेरी एक्साइटेड लुकिंग एट द फ्लाइंग टॉय, और उसने क्या देखा, जो टॉय जो फ्लाइंग टॉय था उसको देख के जो बॉयज थे वो बहुत ही एक्साइटेड हुए, ठीक है। दे नेवर थॉट दैट टॉय कुड ऑल्सो फ्लाई, उन्होंने कभी उनके दिमाग में ये चीज़ कभी नहीं आया कि उनके दिमाग में ये चीज़ कभी नहीं आया था कि जो खिलौने होते हैं वो भी फ्लाई करते हैं। दे डिसाइडेड दैट वन डे दे विल मेक अ मशीन दैट विल मेक पीपल फ्लाई, और उन्होंने क्या किया, एक दिन उन्होंने क्या डिसाइड किया कि वो भी ऐसी मशीन बनाएंगे जो लोगों को उड़ाएंगे, उन्होंने ये डिसाइड किया कि वो लोग एक ऐसी मशीन का आविष्कार करेंगे जो लोगों को उड़ाएंगे, ठीक है। दे बोथ ग्रू अप एंड वर्क वेरी हार्ड, और वो लोग बड़े हुए और बड़े होने के बाद उन्होंने बहुत मेहनत करना शुरू किया, मैनी टाइम्स दे फेल बट दे ऑलवेज ट्राई, बहुत समय देखिए कोई भी चीज़ आप करते हो तो ज़रूरी नहीं है कि वो बेटा एक बार में ही आपका काम सक्सेस हो जाए, है ना, एक बार गलत होगा, दो बार गलत होगा, लेकिन कभी तो जब आप मेहनत करोगे, जब आप ट्राई करोगे, कोशिश करोगे, तो वो काम अच्छा होगा। तो ठीक ये दोनों ब्रदर ने भी ऐसे किया, काफ़ी टाइम कई बार वो लोग फेल हुए बट दे ऑलवेज ट्राइज अगेन, लेकिन उन्होंने फेल होने के बाद भी उन्होंने अपना जो ट्राई करते रहे वो रुके नहीं, उन्होंने मेहनत मतलब ट्राई कंटिन्यू वो ट्राई करते रहे, ठीक है। आफ्टर 25 ईयर्स 25 साल के बाद दे मेड अ वर्ल्ड फर्स्ट एवर फ्लाई एरोप्लेन, और उन्होंने क्या बनाया, वर्ल्ड का फर्स्ट फ्लाइंग एरोप्लेन इन्होंने बनाया। डू यू नो हु दिस बॉयज, क्या आप जानते हो ये कौन बॉय थे, दे वेर ऑर्विल राइट एंड विल्बर राइट, ठीक है। ये इनका नाम क्या था, ऑर्विल राइट एंड विल्बर राइट, ये दोनों को इनको दोनों को राइट ब्रदर्स के नाम से जाना जाता है, ठीक है। वी कैन ट्रेवल टू एनी पार्ट ऑफ द वर्ल्ड इन अ शॉर्ट टाइम बाई एन एरोप्लेन, अब क्या है, आपके एरोप्लेन के थ्रू क्या है, शॉर्ट टाइम में, कम समय में आप जो है जहाँ पे भी आपको ट्रैवल करना है, अपने वर्ल्ड के किसी भी पार्ट में आप लोग कम समय में
एरोप्लेन के थ्रू पहुँच सकते हो, ठीक है। दे टेक अस टू फार अवे प्लेसेस इन वेरी लेस टाइम, और क्या है हम इसमें जो है कम समय में पहुँच कम समय में हम जो है एरोप्लेन से कहीं भी पहुँच सकते हैं, जा सकते हैं। क्या होता है, क्योंकि इट इज़ वन ऑफ द कॉस्टलीस्ट बट द फास्टेस्ट मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट। ये कॉस्टली तो बहुत होता है, लेकिन क्या होता है, फास्टेस्ट मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट होता है। मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट में एरोप्लेन क्या होता है, सबसे फास्टेस्ट मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट होता है। एरोप्लेन कैरी गुड्स टू, और एरोप्लेन में गुड्स भी कैरी करके ले जाया जाता है। वी कैन ऑल्सो यूज़ अ हेलीकॉप्टर टू ट्रैवल बाय एयर, और हेलीकॉप्टर के थ्रू भी हम क्या एयर में ट्रैवल करते हैं। एरोप्लेन एंड हेलीकॉप्टर लैंड एंड टेक ऑफ फ्रॉम एयरपोर्ट्स, इनका क्या है लैंड और टेक ऑफ कहाँ करती है, एयरपोर्ट में। मैंने बताया जैसे ट्रेन है के लिए रेलवे स्टेशन है, शिप्स के लिए हार्बर और पोर्ट मैंने बताया, तो ठीक उसी तरह एरोप्लेन और हेलीकॉप्टर्स के लिए एयरपोर्ट होता है। हेलीकॉप्टर्स आई कैन ऑल्सो यूज़ हेलीपोर्ट टू लैंड एंड टेक ऑफ, मतलब हेलीपैड्स मतलब क्या होता है, अ प्लेस फॉर हेलीकॉप्टर टू लैंड टेक ऑफ, ये वो प्लेस होती है जहाँ पे हेलीकॉप्टर क्या करता है, हेलीकॉप्टर लैंड और टेक ऑफ करती है, ठीक है। एस्ट्रोनॉट्स ट्रैवल टू स्पेस बाय यूजिंग अ स्पेशल मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट कॉल्ड अ स्पेस शटल, जो बेटा एस्ट्रोनॉट्स थे वो क्या, उन्होंने भी एक स्पेशल मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट जो है स्पेस शटल का यूज़ उन्होंने करा था, और वो लोग क्या दे फर्स्ट ट्रैवल टू द मून, सबसे पहले वो मून पे गए, कब कहते 1969 में, कब कहते दे फर्स्ट ट्रैवल टू द मून, उन्होंने सबसे पहले वो मून में कब गए थे 1969 में गए थे इन अ स्पेस शटल, और किससे गए थे, स्पेस शटल से गए, ठीक है बेटा। लेट्स ट्राई फोर, देखिए इसमें आपको स्टेप्स को फॉलो करके एरोप्लेन बनाना है, और एरोप्लेन तो सबको बनाना आता है, क्लास में आप लोग पेपर फाड़ के जो बनाते हो एरोप्लेन वो तो सबको आता ही होगा, तो इसको आप लोग स्टेप्स को फॉलो करके एरोप्लेन बनाइएगा, ठीक है। चलिए देखिए नेक्स्ट क्या है, चलिए देखिए बेटा इसमें नेक्स्ट है, अरेंज दिस मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट फ्रॉम द स्लोएस्ट टू फास्टेस्ट। इसमें दिया है आपको रिक्शा, बस, वॉक, ट्रेन एंड एरोप्लेन। अब आपको इसमें क्या करना है, रिक्शा, बस, वॉक, ट्रेन और एरोप्लेन जो दिया है इसमें आपको स्लोएस्ट से फास्टेस्ट, आपको इसको जो है स्लो से फास्टेस्ट में क्या करना है, इसको आपको उसके अकॉर्डिंग लिखना है। जैसे देखिए सबसे पहले वॉक है, फिर रिक्शा है, फिर बस है, फिर ट्रेन है और फिर एरोप्लेन है, ठीक है। क्योंकि वॉक वॉक मतलब पैदल चल रहे हो, फिर उसके बाद क्या आता है, रिक्शा आता है, फिर उसके बाद क्या आता है, बस आता है, फिर उसके बाद ट्रेन और उसके बाद एरोप्लेन। सबसे पहले वॉक आप पैदल चल रहे हो, फिर उसके बाद रिक्शा अगर जा रहे तो रिक्शा है, फिर उसके बाद उससे तेज़ बस चलती है, बस से तेज़ ट्रेन, और सबसे फास्ट मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट हमारा क्या होता है, एरोप्लेन। एरोप्लेन इज़ द फास्टेस्ट मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट। अब आता है आपका लास्ट क्वेश्चन है ये, अब देखिए बेटा इसमें क्या करना है, राइट 5 to 6 सेंटेंस ऑन एनी जर्नी। आपने कभी भी जर्नी तो किया ही होगा, कभी भी यात्रा तो किया ही होगा, ट्रेन में यात्रा तो की ही होगी, है ना। आप लोग ट्रेन से कभी भी अपने फैमिली के साथ कहीं ना कहीं तो गए हो, ऐसा तो कोई भी बच्चा नहीं होगा जो ट्रेन में कभी बैठा ही नहीं होगा, है ना। तो आपको वही इसमें बताना है, दैट यू एन्जॉय ऑल आउट। और ट्रेन से जब आप अपने फैमिली के साथ कहीं जाते हो तो इन्जॉय भी बहुत करते हो, खिड़कियों के पास बैठ के रास्ते वगैरह में बातें करते हुए, गेम खेलते हुए, खाते पीते इन्जॉय करते हुए जाते हो, तो यू कैन इंक्लूड दिस पॉइंट, सम हेल्पफुल पॉइंट्स आर गिवन इन योर बुक। आपको कुछ पॉइंट्स गिवन है आपकी बुक में, इस पॉइंट का यूज़ करके आपको इसमें जो है अपनी जर्नी के बारे में आपको बताना है। जैसे देखिए मैं आपको बता देती हूँ, इसको आप लोग अपनी कॉपी में नोट डाउन करिएगा। वेयर डिड यू गो दिया है, वेयर डिड यू गो, पहला पॉइंट है वेयर डिड यू गो, आप कहाँ गए, तो आप इसमें क्या बताओगे, कुछ भी, आप आगरा गए, दिल्ली गए, मुंबई गए, जो भी गए आपने बता दिया, ठीक है। हाउ डिड यू गो, आप कैसे गए, ठीक है, तो आप लिखोगे वी वेंट टू आगरा इन अ ट्रेन, ट्रेन से गए तो आप ट्रेन से गए हो तो ट्रेन लिखोगे, एरोप्लेन से गए तो एरोप्लेन लिखोगे। तो जिससे भी आप गए हो, आपने जिससे भी अपनी जर्नी करी है, तो वो आपको इसमें बताना है, ठीक है, अपनी जर्नी के बारे में बताना है। अगर आपने एरोप्लेन बाई एयर ट्रांसपोर्ट के थ्रू जर्नी अपनी करी तो उसका आपको बताना है, ठीक है। तो हाउ डिड यू गो, तो आप लिख सकते हो वी वेंट टू दिल्ली या आगरा इन अ ट्रेन, ठीक है। हाउ वॉज लॉन्ग वॉज जर्नी, आपकी जर्नी कितने देर की थी, कितने आवर की थी, तो द जर्नी वॉज ऑफ 3 hours, 4 hours, 5 hours, जितनी देर की जर्नी थी, जितने देर आपने ट्रैवल किया उतने देर आपने यहाँ पे लिखोगे। हु डिड यू ट्रैवल विद, आप किसके किसके साथ गए, तो आप बोल सकते हो, लिख सकते हो आई ट्रैवल विद माई पेरेंट्स, ब्रदर, सिस्टर, ये सब। वॉट डिड यू एट ऑन द वे, जब आप यात्रा कर रहे थे, जब आप ट्रैवल कर रहे थे तो आपने क्या क्या चीज़ें खाई, आई एट चिप्स एंड सैंडविचेस, आप लिख सकते हो मैंने सैंडविचेस खाया, चॉकलेट्स खाया, टॉफ़ी खाया, जो भी चीज़ है वो आप बता सकते हो।
हाउ डिड यू पास योर टाइम, आपने अपने टाइम को पास कैसे किया, तो आप लिख सकते हो आई प्ले विद माई ब्रदर एंड लुक आउट ऑफ द विंडो, मैंने अपने अपने ब्रदर के साथ गेम खेला, गेम खेलते हुए खिड़की के बाहर देखते हुए मैंने अपने टाइम को पास किया। बेटा ये आपका आज का लेसन 2 था, ये आपका लेसन कंप्लीट हो गया है, ठीक है। और आपको इस लेसन में अगर कोई भी डाउट है या लेसन का कोई टॉपिक नहीं समझ में आया या आपको क्वेश्चन आंसर या कोई भी एक्सरसाइज, लेट्स ट्राई।